तो हेलो दोस्तों, भाई क्या नाम लेते हैं आज भाई, सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई। आज 15 अगस्त है भाई। अभी फ़िलहाल आपका क्या चल रहा है वो भी अपने बताते रहें। और भाई आज मेरी वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी जो है उसमें भाई एक कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, उसके लिए भाई मैं रेडी हो चुका हूँ, बस निकलने ही वाला हूँ भाई। फ़िलहाल क्या नाम लेते हैं, चलते हैं वेंकटेश्वर और देखते हैं भाई कुछ अपने काम का होता है या नहीं। यार मेरा आज जाने का मन नहीं था, बट क्या नाम लेते हैं, थोड़ा सा भाई कॉलेज वाले ने बोल दिया कि थोड़ा सा फाइन, 300 रुपये का फाइन भी लगाएंगे अगर नहीं आए तो। भाई लगाएंगे तो नहीं, पर धोखे से भी भाई लगा दिया तो भाई मेरे पास 300 रुपये कहाँ से आएंगे। बाकी भाई बस भाई फिलहाल चलते हैं अपने वेंकटेश्वर में, जो भी होगा फिलहाल अपने दिखाने लायक, जो भी होगा आपको दिखाने लायक फिलहाल दिखाएंगे। और भाई बस इतना ही था, अपने वीडियोज भी रेगुलर आने वाली हैं और सब काम होने वाला है। रात एलविश यादव जीत चुका है भाई, भाई बहुत मज़ा आया भाई देख के एलविश यादव जीत चुका है भाई। ऐसे भाई को सपोर्ट करना भाई, मैंने तो बहुत सपोर्ट कर रहा है भाई। इस टाइम 15 मिनट की वोटिंग हुई थी, मैंने 1 मिनट भी खाली नहीं जान दिया, वोट 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 वोट। और पहले ही बहुत कम से कम 200 300 400 वोट तो करे होंगे कम से कम। और भाई जीता और जो खुशी हुई ना भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल की खुशी थी वो। बाकी भाई इतना ही था इस वीडियो, ओ इतना ही था यहाँ। बाकी चलते हैं अपने यूनिवर्सिटी की ओर। तो भाई फाइनली अपनी यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, अभी बाइक पार्क करके अभी मैं भाई अंदर यूनिवर्सिटी में, जहाँ हमारा स्कूल है ना, कॉलेज है, मतलब जो एक नर्सिंग है वहाँ भाई जा रहा था। इधर ये हॉस्टल वगैरह और यहीं हॉस्पिटल, आपको पता होगा भाई। फिलहाल देखते हैं क्या प्रोग्राम होता है क्या नहीं। फिलहाल भाई मुझे लग रहा है शायद मैं ही कर रही हूँ, मेरे साथ का कोई है ही नहीं आज, शायद ना आएंगे भी या नहीं आएंगे, देखता हूँ आते हैं या नहीं, वो भाई पता चलेगा बाद में। फिलहाल अभी रेडी भाई बताऊँ तो आज ये देखो हमारा क्लासरूम, ये आज क्लास में कोई है ही नहीं, आज क्लास में नहीं है, ये है हमारा क्लासरूम ये। आज फिलहाल मुझे लगता है कि ऐसा भाई मेरे फोन में तो रिचार्ज भी नहीं है, आज देखता हूँ भाई अगर भाई लोग आते हैं तो ज़्यादा बढ़िया, अगर नहीं रहे नहीं आएंगे तो भाई पता नहीं कैसे हो भाई। मैं अपने टी शर्ट दिखा दूँ आपको, टी शर्ट मेमरीज भाई। आज क्या तारीख है, आज 15 तारीख है भाई, परसों रात को 17 तारीख को भाई रात को 8 बजे के बाद तो साउंडलाउड पर जाएगी और फिलहाल न्यूजीलैंड वगैरह में आउट हो जाएगी, और 12 बजे मतलब रात को फिल आउट हो जाएगी स्पटे वगैरह सब जगह। भाई 7:30 बजे को बोला था, फिलहाल 7:50 होने वाले हैं अभी, तो मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है, इकल्ला बैठा हुआ बहुत टाइम से, 8 बजे नहीं, 8 बजे के बाद नहीं लग रहा कुछ होगा भाई, तैयारियाँ चल रही और काम हो रहे हैं। तो भाई फाइनली आज अपना प्रोग्राम शुरू हो रहा है, और भाई यहाँ चीफ गेस्ट कौन थे, ग्रैंड मास्टर शिखू जी सौर्य भारद्वाज है मुख्य अतिथि, शायद आपने कहीं देखे वसीम अमरोही, कौन वसीम अमरोही, अमरोही अच्छा हाँ चीफ गेस्ट में है भाई, भाई तो फिलहाल अभी अपने देखते हैं क्या क्या चीज़ें और होती हैं, जो भी होंगी आपको दिखाई जाएंगी, सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी, सामने दिखाई भाई। ये हिंदुस्तान की धरकल प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, कुछ भार तो कम कर दिए गुजरे दिखो से, क्या करूं मजा आई रहा गर्मी में, अब गर्मी बहुत हो रही है, अभी प्रोग्राम स्टार्ट हो गया भाई। भाई हमारे चीफ गेस्ट जो अभी आए हैं, हमारे लाडले की जय, हिंदुस्तान के वीर सपूतों की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी डिग्निटीज से मैं अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर आ जाएं। ग्रैंड मास्टर शिखू जी मैं हमारे दो चांसलर सर से अनुरोध करूंगी,
वो हमारे आज के चीफ गेस्ट हो गए। एक चीज बोलूंगा, जब मैं दिल्ली से इस बार उत्तर प्रदेश आया, डेवलपमेंट दिखा रोड्स पर, कुछ चीजें दिखी, वेरी गुड, बहुत फर्क है, क्योंकि हमें समय कम लगा, तो इसका मतलब है भारत हमारा यार तरक्की कर रहा है। तो साथ दीजिए, सब साथ दीजिए, है ना। मैं बहुत क्लियर हूं, ना किसी छत पे हरा झंडा रहने दो, ना लाल भगवान नीला पीला झंडा रहने दो, मिलो गले इस तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यारो, हर घर पे सिर्फ तिरंगा रहने दो। और हम उतना ही सुना सकते हैं जितना आप सुनेंगे। आप लुल हम फुल, हम निकल जाते हैं, हमारा क्लियर है, मुर्दों से बात करने का कोई शौक नहीं है। इतनी लाशें घूम रही है इस देश में ना, सांस लेती हुई। अब आप निर्धारित करें कि आप लाशों में हैं कि जिंदा हैं। जिंदा, जिंदा। आपके ऋषि साहब ने कहा कि अभी हाथ में लेना, जब 16 अगस्त को उसको संभालने की औकात हो, वरना मुझे कोई तिरंगा कहीं डाल के दिखा, मैं वहीं पनक के मारूंगा और घर में बस के मारूंगा। मेरे लिए मेरे माँ बाप से बड़ा है, मेरे औलाद से बड़ा है मेरे लिए, इसको बहुत संभाल के रखिएगा। तो हमने देखा कई लोग होते हैं 15 अगस्त बच्चों गया, नहीं भाई प्लीज, तुम्हारे लिए कपड़े का टुकड़ा होगा, अरे हर शासक का कफन है जो तैयार है नहीं बहाने वतन के लिए। और जो किसानों के बच्चे हो हाथ उठाओ, जिंदगी में हाथ नीचे करो। एक चीज याद रखना, तुम्हारा बाप सबसे बड़ा सिपाही है, तुम्हारी माँ उससे बड़ी सिपाही है। वर्दी पहनने से सिर्फ सिपाही नहीं होता साहब, घर में माँ बाप से अपना लहू बहा के, अपनी पूरी मेहनत पसीना बहा के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, जो सबसे बड़ी चीज है दुनिया में। इसलिए अपने माँ बाप के लिए पर हाथ उठाने की ताली बजाओ सबसे पहले। प्रोग्राम ऑफ द डे भाई समा तो आऊंगा मैं।
तो भैया मजा आया या नहीं आया फुल वाला? तो भाई अभी फिलहाल प्रोग्राम एंड हो चुका है और भाई मज़ा आ गया है पूरा, क्योंकि तो प्रोग्राम भी ठीक हो गए थे और बाकी चीज़ें भी, जो भाई चीफ गेस्ट है उनका भी बढ़िया काम आया, मज़ा है। बाकी और बाकी आराम से घर पहुँच के बताऊँगा जिस टाइम घर पहुँच दूँगा। फिलहाल अभी बाइक निकालते हैं और चलते हैं अपने घर। भाई फिर अब जैसे आपने अभी ये ब्लॉग में क्लिप्स देखी भाई, ये जो थे भाई, अभी मैं आपको ये चैनल वगैरह आपको दिखा दूँगा जो से भी है भाई। फिलहाल क्या नाम लेते हैं इनकी भाई बात करें। देखो आज यूनिवर्सिटी में मैं जाने के लिए सोच नहीं रहा था, पर जब गया ना भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई। मैं घर आके भाई व्लॉग बना रहा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, आगे के कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फिर बाद में टाइम नहीं लग पाया था। और भाई फिर क्या नाम लेते हैं भाई, देखो जैसे ही भाई वो आए थे ना, और उनकी जो भाई जो फर्स्ट इम्पैक्ट था पड़ा भाई, जो बातें हैं ना उनकी भाई साहब, मतलब मज़ा आ गया। सही बता रहा हूँ, जो बातें करते हैं जिस तरीके से वो बातें करते हैं, जिस तरीके से वो खड़े की बेइज्जती कर देते हैं ना भाई, वो देखने लायक होता है यार। मतलब कुछ सीखने को समझने को मिलता है उनसे, बहुत अच्छी बात है भाई, मज़ा आया। फिलहाल भाई पूरा नाम उनका भाई अपने इंस्टाग्राम आईडी और फोटो सब मैं भाई इसमें दिखा रहा हूँ भाई, क्या नाम थे, ग्रैंड मास्टर सिफूजी सौरभ भारद्वाज, और भाई हमारे दूसरे चीफ गेस्ट थे भाई वसीम अमरोही भाई। इन्होंने पहले वेंकटेश्वरम आए थे, फिर बाद में इन्होंने अपने अमरोही में रैली निकाली थी भाई, इतना ही मैं कह सकता हूँ। और भाई फिलहाल बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा काम था, बहुत अच्छा भाई ने बताई, बहुत चीज़ें बताई, बहुत चीज़ें समझाई, बहुत अच्छा अच्छा काम के लिए बोला, बहुत बहुत अच्छी भाई बेइज्जती भी देखने में लोगों की, मज़ा आया, सब चीज़ें बढ़िया थी, सब चीज़ें मज़ा आया। बस मैं बोल रहा हूँ भाई इतना ही था, और सब क्लिप मैंने आपको पीछे दिखा दिए जो भी था भाई, जो बातें थी, बाकी बस इतना ही था इस वीडियो में, इस व्लॉग में इतना ही था भाई। की न्यू वीडियो अपने आप जल्दी ही आने वाली है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भाई जो भी नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए भाई। बस यहीं करते हैं वीडियो को एंड, यहीं करते हैं व्लॉग को एंड।